राजनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद और अजीत पवार चुनाव नतीजे तय करेंगे महाराष्ट्र के दिग्गजों का राजनीति भविष्य। देश के दूसरे राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग ही प्रवाह में बह रही है। जितनी राजनीतिक टूट फूट महाराष्ट्र में हुई उतनी देश के किसी भी राज्य में नहीं हुई, इसलिए यहां के नतीजों पर देश भर की नजरें टिकी हैं। लोकसभा के चुनाव नतीजों के बाद राज्य की सियासत में बड़े उलटफेर से इनकार नहीं किया जा सकता। यह चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार का राजनीति भविष्य तय करेगा। कौन किसके साथ रहेगा, कौन किधर जाएगा, यह सब चुनाव नतीजा तय करेगा। साथ ही बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के लिए भी यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव हुए। सन 2019 का लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था। विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच ऐसा टकराव हुआ था कि बीजेपी की आई हुई सत्ता हाथ से चली गई। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनकी कुर्सी लंबे समय तक नहीं टिकी रही। उनकी ही पार्टी में बगावत हो गई। फिर सूरत से गुवाहाटी और गोवा तक शिंदे सेना के विधायक सफर कराए। ऐसे होते गए दो फाड़, शिवसेना के दो फाड़ हो गए और साल 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे सामने आए। ठीक एक साल बाद 2023 में शरद पवार की पार्टी एनसीपी में भी बगावत हो गई। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने चाचा से एनसीपी हत्या ली, साथ ही उनके परिवार में भी बिखराव हुआ। सियासत ने पवार परिवार को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद राज्य में कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी ने छोटे दलों को मिलाकर महाविकास अघाड़ी बनाई, तो बीजेपी ने शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी सहित दूसरे छोटे दलों को मिलाकर महायुति बनाई। लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे में महायुति और महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में खूब माथापच्ची करनी पड़ी।